हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अलग सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट जरूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में अलग सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है ब्लॉक नेम से। आप सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में प्लस का आइकॉन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना जो भी अलार्म का टाइम सेट करना चाहते हैं इस तरह से टाइम सेट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना कोई मिनट सेट करना चाहते हैं मिनट सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको अपना अलार्म किस डेट पर लगाना चाहते हैं यहाँ से एम या पी एम है वो सेट कर लेंगे। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रिपीट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना अलार्म जो से डेट लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूजडे या तो फिर ऑल डे, उसके बाद डेट होगी। पिक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है अलार्म नेम। यहाँ से आप अपने अलार्म का नेम डाल सकते हैं कि आप अपने अलार्म किस चीज़ के लिए लगाना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको एक राइट का टिक देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके फ़ोन में अलार्म सेटिंग हो जाएगी। आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से अलार्म सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।